हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने ये कैप्टन अमेरिका की ड्राइंग की आउटलाइन कैसे ड्रॉ की है ग्रिड मेथड से। ग्रिड मेथड से ड्राइंग करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, और अगर आपको थोड़ी सी भी इसमें प्रैक्टिस हो जाए तो आप बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्रिड मेथड के बहुत ही ज़्यादा ईजी तरीका बताया है कि जिससे कि आप भी बहुत ही ईजिली कोई भी ड्राइंग कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत करना वरना आपको समझ नहीं आएगी वीडियो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 2-2 सेंटीमीटर के ग्रिड ड्रॉ कर लिए A4 साइज की शीट के ऊपर। अब मैं रेफरेंस फोटो को अच्छे से ऑब्जर्व करके कि कौन से बॉक्स में कौन सा पार्ट आएगा या कौन सा फीचर आएगा, उसे मैं अच्छे से ऑब्जर्व करके फिर उसे शीट के ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ। मुझे कोई कन्फ्यूजन ना हो कि कौन से वाले बॉक्स में कौन सा पार्ट ड्रॉ करना है, उसके लिए मैंने यहाँ पर नंबर लगा लिए हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक टोटल 15 नंबर बने हैं, और लेफ्ट साइड से लेकर राइट साइड तक 11 नंबर बने हैं। तो इन नंबर को मैंने लिख लिया शीट के ऊपर, ईच बॉक्स के ऊपर, ताकि मुझे आसानी से पता लग सके कि कौन से वाले बॉक्स में कौन सा पार्ट ड्रॉ करना है। और ऐसे ही नंबर जो मैं ऐप यूज़ कर रहा हूँ उसके ऊपर ऑलरेडी बने होते हैं, और उन्हीं नंबर्स को देख के मैंने यहाँ पर शीट के ऊपर भी नंबर्स डाले हैं। और अगर ऐप की बात की जाए तो मैं ऐप पहले भी काफ़ी बार बता चुका हूँ आप लोगों को। मैं ग्रिड ड्राइंग मेकर नाम का एक ऐप है जिसे मैं यूज़ करता हूँ ग्रिड से आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए। अगर आप ये ऐप को प्ले स्टोर पर ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। इसका लिंक मैं आपको अपने कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अभी यहाँ पर ऊपर से मैंने शुरुआत की थी आउटलाइन करने की, आप किसी भी तरीके से कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैं आई ड्रॉ कर रहा हूँ तो आई के लिए मुझे काफ़ी पेशेंस रख के काम करना पड़ा है, और ये अकेली आई ड्रॉ करने के लिए मुझे तकरीबन 15 मिनट का टाइम लग गया था ग्रिड के साथ भी। तो जब भी आप ड्राइंग करें, आउटलाइन करें, आपको एकदम ध्यान से करनी है, आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल आराम से करिए ताकि आप अच्छे से एक्यूरेट आउटलाइन ड्रॉ कर पाएँ। अगर आप जल्दबाजी में कर देंगे तो आउटलाइन एक्यूरेट ड्रॉ नहीं हो पाएगी, और बाद में आप चाहे जितनी मर्जी अच्छी शेडिंग कर लें वो आर्टवर्क अच्छा निकल के नहीं आएगा। इसलिए आउटलाइन पे जितना ज़्यादा टाइम हो सके आप दीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम बिगनर्स को यही कन्फ्यूज़न रहती है कि हम ड्राइंग किस पार्ट से शुरू करें या किस एंगल से शुरू करें। तो देखिए, अगर आप ग्रिड मेथड से ड्राइंग कर रहे हैं तो आपको इस बात की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी पार्ट से शुरू करेंगे तो ग्रिड मेथड से क्या होता है, जब भी आप एक भी बॉक्स से शुरू करते हैं तो आप पहले बॉक्स से अगर ड्राइंग शुरू कर रहे हैं तो लास्ट बॉक्स तक आप अपने आप ही पहुंच जाएंगे ड्रॉ करते करते, क्योंकि ये बॉक्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और जब भी आप इस यहाँ पर ड्रॉ करते हैं आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहते हैं, और आपको पता भी नहीं लगता कि ड्राइंग पूरी कंप्लीट भी हो जाती है। आप सभी को मैं बता दूं कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज शुरू की हुई है, अवेंजर सीरीज, और ये सीरीज़ में मैंने अपने सब्सक्राइबर्स के कहने पर ही शुरू की थी, क्योंकि काफ़ी लोगों को अवेंजर्स काफ़ी पसंद है, और आपका जो भी फेवरेट अवेंजर है मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसी सीरीज़ के अकॉर्डिंग मैं ऑलरेडी 2 अवेंजर्स की ड्राइंग ड्रॉ कर चुका हूँ। पहली मैंने आयरन मैन की थी एज अ टोनी स्टार्क, अगली मैंने बनाई थी थॉर की ड्राइंग, और अब मैं बना रहा हूँ कैप्टन अमेरिका की। और ये तीनों अवेंजर्स मैंने अपने सब्सक्राइबर्स के कहने पर बनाए हैं, क्योंकि आप लोग ही जब कमेंट करते हो तो मुझे नए नए आइडियाज़ मिलते हैं कि मैं आगे क्या ड्रॉ करूँ। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगली वीडियो मैं कौन से अवेंजर की बनाऊं, या फिर आप अपना कोई भी फेवरेट अवेंजर का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। रेफरेंस फोटो को अच्छे से ऑब्जर्व करते हुए मैं यहाँ पर ड्राइंग का 25% हिस्सा कंप्लीट भी कर चुका हूँ। और मैं आपको फिर से बता दूँ, ये मुझे ड्राइंग टोटल करने में 1.5 घंटे का टाइम लगा था। अगर आपको ज़्यादा टाइम भी लगता है तो आप जल्दबाजी मत कीजिएगा, आपको जितना ज़्यादा टाइम लगेगा आप उतनी ज़्यादा अच्छी एक्यूरेट ड्राइंग कर सकेंगे, क्योंकि जितना आप आराम से करेंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी ड्राइंग ड्रॉ होगी। ग्रिड मेथड करते हुए आपको एक बात का और खास ध्यान रखना है कि जब भी आप ग्रिड मेथड से आउटलाइन ड्रॉ करें तो आपको एक एक बॉक्स कंप्लीट करके आगे बढ़ना है। मतलब आप ऐसा मत करना कि आपने शुरुआत 1 नंबर वाले बॉक्स से की थी और वो बॉक्स कंप्लीट करके आप सीधा 10 नंबर वाले बॉक्स पर आ गए हैं, और या फिर 10 नंबर वाला करके आप सीधा 15 नंबर वाले पे आ गए हैं। जैसे बॉक्स एक दूसरे से कनेक्टेड है वैसे ही आप अपनी ड्राइंग को आगे बढ़ाते जाइए, और आप बहुत ही अच्छी ड्राइंग कंप्लीट कर लेंगे। आगे कुछ खास बताने को है तो नहीं, क्योंकि मैं इसमें जितना बता सकता था मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। बाकी आप वीडियो को अच्छे से ऑब्जर्व करो कि मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, कैसे मैं बॉक्स को ध्यान में रखते हुए रेफरेंस फोटो को अच्छे से ऑब्जर्व करके तभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। और आप अपने फेवरेट अवेंजर का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अगली ड्राइंग मैं उसी अवेंजर में से कोई एक अवेंजर को चूज़ करके उसके ऊपर बनाऊंगा, और जिसका भी कमेंट सिलेक्ट होगा अगली वीडियो में मैं उसका नाम भी ज़रूर लूंगा।
और ये वीडियो थी आउटलाइन की। आगे जो भी शेडिंग वगैरह का प्रोसेस होगा वो भी मैं अपनी तरफ से आपको पूरा बताने की कोशिश करूंगा, इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पता लग सके कि अगली शेडिंग की वीडियो मैंने कब डाली है। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आप मुझसे कोई भी बात करना चाहते हैं तो मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है kushkakkar.arts, वहाँ पर जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे कोई पेड वर्क करवाना चाहते हैं, किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं मेरे हाथ से बना हुआ स्केच, तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।